बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पीटर पैन एंड वेंडी। कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां पर हमें वेंडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास है क्योंकि अगले दिन उसे बोर्डिंग स्कूल जाना है। वो घर में अपने दोनों भाइयों के साथ एंजॉय करना चाहती है, पर उसके पिता जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो वेंडी से कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें अच्छी एजुकेशन के लिए बोर्डिंग स्कूल जाना होगा। इस बात से वो और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और विश मांगती है कि काश मेरी उम्र कभी ना बढ़े। रात को सो जाती है और तभी हमें उसकी विंडो पर एक छोटी सी परी को दिखाया जाता है जिसका नाम टिंकर बेल है। टिंकर बेल उसके पास आती है और अपनी फेरी डस्ट को उसके ऊपर डालती है जिससे वो उड़ना शुरू हो जाती है। तभी वहां पर वेंडी के भाई आ जाते हैं जो टिंकर बेल को पकड़ लेते हैं और अब वहां पर पीटर पैन आ जाता है। दरअसल पीटर पैन की कहानियां हर एक बच्चे ने सुनी है। पीटर पैन वो बच्चा है जिसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। वो नेवरलैंड नाम की एक जगह पर रहता है। हर किसी को लगता है कि ये एक काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कैरेक्टर है, लेकिन आज पीटर पैन खुद इनके सामने है। पीटर पैन वेंडी से कहता है कि मैंने तुम्हारी विश को सुना था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ यानी कि नेवरलैंड, वहाँ कभी किसी की उम्र नहीं बढ़ती। साथ ही यहाँ पर पीटर पैन की परछाई उससे अलग हो गई होती है, वो उसे अपने साथ बांधना चाहता है। इसमें वेंडी उसकी मदद करती है। पीटर पैन को बहुत दर्द हो रहा होता है। वेंडी कहती है कि जब भी हमें दर्द होता है तो हमारी मॉम हमें किस करती है। पीटर पैन को नहीं पता कि किस क्या होता है। वो वेंडी से कहता है कि तुम मुझे किस करो। वेंडी उसे एक बेल दे देती है और कहती है कि यही किस है, जिस बेल को पीटर पैन अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो वेंडी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ नेवरलैंड चलने के लिए तैयार हो। वेंडी कहती है कि हाँ, उसके भाई भी साथ जाना चाहते हैं। अब पीटर पैन इन तीनों से कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स को, अच्छी यादों को लाना होगा। इसके बाद टिंकर बेल जो कि एक फेरी है, वो अपनी फेरी डस्ट तुम्हारे ऊपर डालेगी और तुम उड़ना शुरू कर दोगे। और अब ऐसा ही होता है, ये तीनों के तीनों पीटर पैन के साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ी क्लॉक आती है और उस क्लॉक से होते हुए ये सब के सब नेवरलैंड पहुंच जाते हैं, जो कि एक मैजिकल दुनिया है जहां पर समंदर के अंदर मरमेड्स हैं। साथ ही समंदर में हमें एक शिप को भी दिखाया जाता है जो कि पायरेट्स का शिप है और इनका जो लीडर होता है उसका नाम हुक है, जो कि पीटर पैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब हुक का आदमी उसे बताता है कि पीटर पैन वापस आ चुका है, हमने उसे आसमान में उड़ते हुए देखा है। हुक अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उस पर तोप से हमला किया जाए। दरअसल हुक का जो एक हाथ कटा होता है उसकी वजह पीटर पैन ही है। पीटर पैन ने उसके हाथ को काट कर मगरमच्छ को खिला दिया था और अब पीटर पैन, वेंडी और उसके दोनों भाइयों के ऊपर हुक के लोग हमला करते हैं। ये चारों के चारों एक पहाड़ी पर बैठ जाते हैं, लेकिन हुक के लोग उस पहाड़ी पर तोप से हमला करते हैं जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये चारों के चारों अलग हो जाते हैं। वेंडी को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है, वहां पर सिर्फ उसके भाई की हैट होती है। तभी यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि पीटर पैन के दोस्त होते हैं, इनमें एक टाइगर लिली भी होती है। और अब वेंडी उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, पीटर पैन तुम्हें लेने के लिए गया था। वेंडी पूछती है कि मेरे भाई कहाँ पर हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे भाई को हुक के लोगों ने पकड़ लिया है, हम उन्हें समंदर में देख सकते हैं। लेकिन जब वेंडी दूरबीन से देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। टाइगर लिली वेंडी को समझाती है कि तुम्हें अपने आप पर और यहाँ की चीजों पर विश्वास करना होगा, तभी तुम सब कुछ देख सकती हो। और अब वेंडी अपने आप पर विश्वास रखती है, जिसके बाद वो समंदर में पायरेट्स के शिप को देख पाती है। वो देखती है कि पायरेट्स ने उसके दोनों भाइयों को पकड़ लिया है और अब उसके दोनों भाई हुक के कब्जे में है। उन दोनों बच्चों को हुक के सामने पेश किया जाता है। हुक को घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है। दरअसल वेंडी के एक भाई की जेब में एक वॉच होती है। हुक उस वॉच को तोड़ देता है और कहता है कि मेरे शिप के कुछ रूल्स हैं, मैं नहीं चाहता कि उन रूल्स को कोई तोड़े, यहाँ पर कोई पीटर पैन का नाम नहीं ले सकता। वेंडी के दोनों भाई पीटर पैन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि पीटर पैन हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। हुक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि इन दोनों बच्चों को मैं चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ और जब पीटर पैन इन्हें बचाने के लिए आएगा तब मैं उसे पकड़ लूंगा। और अब वो इन दोनों बच्चों को एक गुफा में लेकर आता है जो कि एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की गुफा है। जो मगरमच्छ बहुत ही विशाल है, वो इंसानों को जिंदा निगल जाता है। यहाँ पर सभी पायरेट्स बहुत खुश होते हैं कि अब वो इन दोनों बच्चों को यहाँ पर कैद कर देंगे और जब पीटर पैन इन्हें बचाने के लिए आएगा तो वो उसे पकड़ लेंगे।
तभी इन पायरेट्स में से एक पायरेट बोलता है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं फंसेगा, इन बच्चों को हम यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। दरअसल ये पीटर पैन ही होता है जो पायरेट के भेष में इन्हीं के साथ यहाँ पर पहुंच गया है, और अब हुक के बीच में और पीटर पैन के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। वेंडी भी दूसरे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। वहीं पीटर पैन और हुक जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो हुक पीटर पैन की परछाई के ऊपर हमला करता है, जिससे पीटर पैन गिर जाता है। हुक उसे मारने वाला होता है कि पीछे से वेंडी कहती है कि तुम पीटर पैन को नहीं मार सकते। हुक वेंडी को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा है, तुम कौन हो? वेंडी बताती है कि मैं लंदन से यहाँ पर आई हूँ। तुम एक बुरे इंसान हो क्योंकि तुम बच्चों को मारना चाहते हो। और अब वेंडी से बात करते करते हुक पीछे आ जाता है जहां पर मगरमच्छ है। तभी मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है, हुक उसके मुंह के अंदर गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है, जिसके बाद हुक अपनी जान बचाकर यहां से भागता है। पीटर पैन और सभी बच्चे उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, जहां वेंडी को बहुत गुस्सा आता है। वो पीटर पैन को एक थप्पड़ मारती और कहती है कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, अभी हमारी जान जाते जाते बची, हमें अपने घर वापस जाना है, हमारे पेरेंट्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद वेंडी दूसरे बच्चों के साथ यहां से जंगल के रास्ते निकल जाती है, जहां पर टाइगर लिली उसे बताती है कि पीटर पैन एक अच्छा लड़का है, वही हम सबको यहां पर लेकर आया है, वो हमेशा हमारी मदद करता है, उसी की वजह से हम सब यहां पर आराम से रह पाते हैं। तुम्हें कुछ दिन यहां पर रहना चाहिए, तब तुम्हें नेवरलैंड के बारे में पता चलेगा। और अब ये सब के सब एक पुराने घर में आ जाते हैं जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है। यहां पर ये सभी बच्चे रहते हैं। वो बच्चों से पूछती है कि तुम यहां पर कैसे आए? वो बताते हैं कि हमें यहाँ पर पीटर पैन लाया, जिस तरह से तुम यहाँ पर आई, वैसे भी यहाँ पर आना तुम्हारी खुद की मर्जी थी, पीटर पैन तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर नहीं लाया। और अब वेंडी को एक बुक मिलती है। सभी बच्चे कहते हैं क्या तुम हमें स्टोरी सुनाओगी? वेंडी पूछती है क्या तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती? दरअसल ये बच्चे यहाँ पर इतने सालों से हैं कि इनमें से कुछ बच्चे भूल चुके हैं कि मॉम क्या होती है, इसीलिए वो वेंडी से पूछते हैं क्या तुम हमारी मॉम बनोगी? वेंडी कहती है कि नहीं, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। पीटर पैन दरअसल वेंडी से गुस्सा है, इसीलिए वो अपने कमरे में चला गया है। और अब वेंडी इन सब बच्चों को कहानी की जगह एक लोरी सुनाती है, जिससे सब के सब बच्चे सो जाते हैं। लेकिन उस आवाज को हुक भी सुन लेता है, वो उस आवाज का पीछा करता है। वहीं बच्चों के सोने के बाद वेंडी टिंकर बेल से पूछती है कि हुक और पीटर पैन एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हैं। टिंकर बेल वेंडी को पीटर पैन के दरवाजे के बाहर लाती है, जहां दरवाजे पर जेम्स लिखा होता है। अभी कमरे के अंदर जाते हैं। पीटर पैन उसे देखकर ऊपर चला जाता है। कमरे के अंदर वेंडी को एक लॉकेट मिलता है। पीटर पैन उसे बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए किस बनाया था, मैं चाहता था कि हम दोनों अच्छे दोस्त बने, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वेंडी पूछती है कि जेम्स कौन है? पीटर पैन बताता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। पर जब वो वापस लौट कर आया तो बहुत बुरा इंसान बन गया था। दरअसल हुक का पूरा नाम जेम्स हुक है, जो कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वेंडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब इस दुश्मनी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन पीटर पैन को उसकी बात समझ में नहीं आती। वेंडी उसके कमरे से बाहर आ जाती है और तभी उसे अपने भाई का टैडी दिखता है। वो समझ जाती है कि पायरेट्स यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि ये टैडी पायरेट्स के पास ही था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पायरेट्स ने सभी बच्चों को पकड़ लिया है। वेंडी की लोरी की आवाज़ सुनकर ही पायरेट्स यहाँ तक पहुँचे हैं। वेंडी चिल्लाना चाहती है, पीटर पैन को अलर्ट करना चाहती है, लेकिन हुक उसका मुंह बंद कर देता है, जिसके बाद वो चुपके से पीटर पैन के कमरे में जाता है, उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिस वजह से पीटर पैन ऊपर से नीचे गिर जाता है। टिंकर बेल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाती। और अब हुक और उसके जितने भी पायरेट्स हैं, वो सभी बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पीटर पैन बहुत ज्यादा घायल होता है, उसकी शैडो यानी कि परछाई उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर पैन उठ नहीं पाता, जिसके बाद उसकी शैडो टाइगर लिली के पास जाती है। पीटर पैन की शैडो को देखकर वो समझ जाती है कि पीटर पैन की जान खतरे में है, इसीलिए वो उसकी शैडो के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पीटर पैन बेहोश होता है। वो पीटर पैन को होश में लेकर आती है। पीटर पैन देखता है कि हुक अपने साथ सभी बच्चों को ले गया है। हुक के सामने वेंडी है,
जो हुक से कहती है कि तुम्हें सब बच्चों को छोड़ना होगा, अगर तुम मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। वो हुक से बहुत सारी बातें करती है। बातों ही बातों में हुक को अपने पास्ट की याद आती है, क्योंकि वो उसे उसके जेम्स नाम से बुलाती है, जो नाम अब वो भूल चुका है। हुक बताता है कि मुझे अपनी मॉम की याद आई थी, जिसके बाद मैंने नेवरलैंड को छोड़ने का फैसला किया। मैं नेवरलैंड से निकल गया, लेकिन कभी मैं अपनी असली दुनिया में नहीं पहुंच पाया। जिसके बाद पायरेट्स ने मुझे पाला, मैं उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ। इसी शिप में मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। जब मैं पीटर पैन के पास वापस गया तो उसने मुझे मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं किया, और तब से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। वेंडी को पता चल चुका है कि किसी जमाने में पीटर पैन और हुक एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हुक उसकी बात मान जाता है, वो दूसरे बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए वेंडी को अपना बलिदान देना होगा। वो उसे शिप के एज पर ले जाता और कहता है कि तुम्हें शिप से कूदना होगा। हालांकि यहाँ पर टिंकर बेल भी है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसे कैद किया गया है। और अब वेंडी प्रेयर करना शुरू कर देती है। उसे एहसास हो चुका है कि वो बड़ी होना चाहती है, यहाँ से निकलना चाहती है, जो कि उसका एक हैप्पी थॉट है। और इसी थॉट के साथ वो ऊपर से नीचे कूद जाती है। ठीक उसी वक्त टिंकर बेल भी बॉक्स को गिरा देती है, जिससे उसकी मैजिकल डस्ट चारों तरफ फैल जाती है। अब हुक और उसके जो लोग होते हैं, उन्हें वेंडी के पानी में गिरने की आवाज नहीं आती। कहता है, क्या किसी ने पानी में गिरने की आवाज सुनी? सब कहते हैं कि नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि वेंडी हवा में उड़ रही है, क्योंकि उसका हैप्पी थॉट ये है कि वो बड़ी होना चाहती है। साथ ही उसके ऊपर मैजिकल डस्ट गिर चुकी है, और हैप्पी थॉट और मैजिकल डस्ट के साथ कोई भी इंसान हवा में उड़ सकता है। और अब क्योंकि पूरे शिप के ऊपर मैजिकल डस्ट गिरी होती है, इसीलिए पूरा का पूरा शिप हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। पीटर पैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद हुकर उसके बीच में तलवारबाजी होना शुरू हो जाती है। सब बच्चे भी आजाद हो जाते हैं, जो कि पायरेट्स के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इनका शिप, जो कि हवा में उड़ रहा है, वो एक चट्टान से टकराने वाला होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर ये उसका स्टेयरिंग घुमा देते हैं। वेंडी सब बच्चों से कहती है, कोई ना कोई चीज पकड़ लो। सब बच्चे किसी न किसी चीज को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो पूरे स्टेयरिंग को घुमाकर शिप को उल्टा कर देती है, जिससे सारे के सारे पायरेट्स नीचे समंदर में गिर जाते हैं। वहीं पीटर पैन और हुक एक दूसरे से आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं। हुक कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पीटर पैन कहता है कि हमें इस झगड़े को अब खत्म करना होगा। और तभी हुक नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन पीटर पैन उसे बचा लेता है और माफी मांगता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। हुक कहता है कि माफी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि पीटर पैन उसे मार सकता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। हुक उसके ऊपर एक बार फिर से हमला करता है, जिस वजह से वो खुद ही जहाज से उल्टा लटक जाता है। पीटर पैन उसके हुक को पकड़ लेता है। उसे पता है कि वो नीचे गिरने वाला है, क्योंकि उसका हुक उसके हाथ से छूट रहा है। वो हुक से कहता है कि तुम अपने अच्छे ख्यालों से उड़ सकते हो। हुक पानी में गिर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता, जिस वजह से वो उड़ नहीं पाता। और अब यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं, उन सब ने फैसला कर लिया है कि वो असली दुनिया में वापस लौट आएंगे। वेंडी पूरे शिप को लेकर असली दुनिया में, यानी कि लंदन पहुंच जाती है, जहां पर वेंडी की आवाज सुनकर उसके मॉम डैड ऊपर आ जाते हैं। वो वेंडी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वेंडी अपनी मॉम के गले लगकर कहती है कि मैं आपके सभी सपनों को पूरा करूंगी, मैं जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगी, अब मैं बड़ी और मैच्योर होना चाहती हूँ। वेंडी के मॉम डैड यहाँ पर दूसरे बच्चों को देखते हैं, जो सबके सब नेवरलैंड से यहाँ पर आए हैं। वो सब भी वेंडी के मॉम डैड को मॉम डैड ही कह रहे होते हैं, क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं है। इन्हें याद भी नहीं है कि कितने सालों से नेवरलैंड में थे। नेवरलैंड में किसी की उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पर सबकी उम्र बढ़ेगी। वेंडी के मॉम डैड भी इन सब बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वेंडी ऊपर जाती है, जहाँ पर हमें वो शिप दिखता है जिसके पास टिंकर बेल और पीटर पैन है। वेंडी पीटर पैन से कहती है कि नीचे चलो, तुम हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो। पीटर पैन कहता है कि कभी ये मेरा घर हुआ करता था, लेकिन अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। मैं वापस नेवरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और इसके बाद वो शिप लेकर टिंकर बेल के साथ नेवरलैंड वापस लौट जाता है, जहाँ पर हमें हुक को दिखाया जाता है, जो अब भी जिंदा है। वो आसमान में देखता है, जहाँ पर उसे अपना शिप दिखाई देता है, जो पीटर पैन लेकर वापस आ चुका है। शिप को और पीटर पैन को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।